उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के मोहल्ला डेरिया स्थित मुस्तफा अली के मकान पर पहुंचे मोमेंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस मौके पर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जो पार्टी मुस्लिमों की बात करेगी और मुसलमानों की भागीदारी कानूनी तरीके से शामिल करेगी, रिजर्वेशन देगी, उसका साथ दिया जाएगा। अभी तक मुस्लिमों के वोट को इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने पत्रकारों को बताते हुए कहा। जस्टिस का और हमारा जो प्रोग्राम है, मेन मकसद है वो मुस्लिम कम्युनिटी को जागरूक करना है और उनको ये बताना है कि वो अपने वोटर को, वोट की कीमत को समझें और उस ताकत का किसी भी तरीके से एहसास कराएं, क्योंकि आज तक इसी मुस्लिम कम्युनिटी को यूज़ किया गया। हर एक ने लॉलीपॉप दिया, किसी ने आरक्षण की बात करी, किसी ने हमारी मसाजिद की बात करी, किसी ने हमारे बच्चों की तालीम की बात करी, लेकिन हकीकत में किसी ने भी कुछ नहीं किया, सब ने इस्तेमाल किया। मुलायम सिंह आरक्षण की बात करके 8 से 18 किया और जब वो सरकार में आ जाते हैं, बहुमत के साथ आते हैं, तो फिर उसको सिरे से नकार देते हैं। दूसरी तरफ बाकी जो और पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो या बीजेपी हो, उन्होंने हमारा हशर, सबने ही हमारा हशर एक वैश्या की तरह कर दिया है। रात को उठा के लाते हैं और सुबह को अंधेरे में ही घर से निकाल देते हैं। बाबरी मस्जिद के मसले को उठाया जाता है, लेकिन बाबरी मस्जिद का हल सीधा सा हल है कि हमारी मस्जिद है और मस्जिद जहाँ थी वहीं बननी चाहिए, और हमारा सबका, सारी मुस्लिम आवाम यही चाहती है कि वो वहाँ पर बने और बनना चाहिए। हर मुसलमान के घर से एक लड़के को नौकरी मिलना चाहिए, और जो भी हमारे मसाइल हैं उन पर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। किसान जो मुस्लिम किसान है उसको कम से कम 1 एकड़ भूमि दी जानी चाहिए, रोज़गार दिया जाना चाहिए, स्कूलों में तालीम दी जानी चाहिए, जो भी बच्चे हमारे नौजवान हैं उनको कम से कम BA तक की तालीम निःशुल्क दी जाए। आरक्षण जो दिया गया है, कोटा फिक्स किया गया है, उसको दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मसाजिद के इमाम को तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन आज तक नहीं दी गई। तो ये क्या है, सिर्फ दिखावा है, छलावा है, तो ये अब नहीं चलेगा, चाहे उसने मुस्लिम लीडर ही क्यों ना हो। उन्होंने धोखा दिया है, वो भी जब आपके पास वोट के लिए आए तो उनसे ये कहिए कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं और आप क्या करेंगे, इसका हमको पूरा भरोसा दिलाइए और उनसे भरोसा लीजिए जिस तरह से आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो शायद आने वाला कल आपके लिए परिवर्तित हो सकता है, वरना आज गाय की कीमत को ज़्यादा समझा जा रहा है, आपकी कीमत को नहीं समझा जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल जी, इलेक्शन का दौर चल रहा है, इस वक्त ही क्यों याद आता है इस तरीके की बातें, पहले से क्यों नहीं किया थे? नहीं, हम लोग पिछले 3 साल से कर रहे हैं और अब तक तकरीबन 5 राज्यों में हम लोग कर चुके हैं और यूपी के 75% जनपदों में हम अपनी बात पहुंचा चुके हैं। ऐसा नहीं है, हम इस बात को मजबूती के साथ रखेंगे और ये बात हमारे लिए इतनी मजबूती के साथ होगी कि किसी की सरकार को बना भी सकेगी और बिगाड़ भी सकेगी। अच्छा, मुरादाबाद से किसी प्रत्याशी को आपकी तरफ से सपोर्ट रहेगी? नहीं, हमारी किसी को सपोर्ट नहीं रहेगी, हमारा सीधा आवाम से ताल्लुक है, हम अपनी बात। इस मौके पर मुस्तफा अली ने लोकसभा 6 से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की बात करते हुए कहा। अच्छा, कि क्या एजेंडा रहेगा आपका, किस तरह से चुनाव? मेरा एजेंडा इंडस्ट्री है, नंबर 1 जी, तालीम जी, मेडिकल मदद, एड्स जी, और जहां तक हो सके साफ सुथरा आबो हवा पानी मिलना चाहिए हमारे इस जिले को, और मुकामी लीडर मिलना चाहिए। यहां पर असदुद्दीन साहब आए, हमसे लोगों ने कहा भाई मुस्तफा भाई ये ऐसे ऐसे हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं, इनको सपोर्ट कर दीजिए, और ये है वो, हमने उनको थोड़ा सा करा और उसके बाद बेहद दुख हुआ हमें, अब बहुत तकलीफ़ हुई और हमारा शहर बहुत पीछे चला गया। लिहाजा मैं ही चाहता हूँ कि मेरे शहर में, मेरे ज़िले के अंदर, इस बेहतरीन खूबसूरत ज़िले में, जिसमें के इंडस्ट्री का, ऑल इंडिया का जो काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो हमारे मुरादाबाद का होता है, और गैर आन की यहाँ पर इलेक्शन लड़े, ये हमें किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। मुस्लिमों के नाम पर काफ़ी विवाद में रहे आपका चेहरा, आप विवाद में रहे, क्या इसमें कहेंगे आप, किस तरह से देखते? विवाद में मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं अपना काम करता रहूँगा। विवाद में मैं ही, हम ही नहीं, मुस्लिमों में नहीं, हिंदुओं में भी रहते हैं लोग, साक्षी महाराज है, बिरजा ठाकुर है, वगैरह वगैरह, कितने नाम गिनाऊँ मैं आपको।
और सारी पूरी हुकूमत ये सब देख ही रहे हैं आप जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त। क्या उम्मीद रखते हैं मुरादाबाद की जनता से? मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है जनता से, और मैं ये जानता हूँ कि जनता ये बात कहने पे मजबूर होगी कि अगर हकदार है मुरादाबाद में वोट का तो मुस्तफ़ा अली है, क्योंकि उसने जेल भी गया है, उसने ठोकरें भी खाई हैं, उस पर केस भी लगे पड़े हैं,